हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे, इन ए जी पी किसी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसकी सिक्स टर्म मुझे गिवन है और थर्ड टर्म, ए सिक्स का मतलब सिक्स टर्म, ए थ्री का मतलब थर्ड टर्म गिवन है और मुझे फाइंड आउट करनी है उसकी, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है और मुझे चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, इसको पहले एग्जांपल के द्वारा समझते हैं क्या गिवन है मेरे पास। मान लीजिए कि मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 8, 16 और 32, ठीक है दोस्तों। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन रेशो बराबर है। कॉमन रेशो कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म बटे में प्रीवियस टर्म। जैसे कॉमन रेशो को आर से डिनोट किया जाता है, मैंने लिख रखा है, और फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं और ए वन भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आर को कैसे देखते हैं, नेक्स्ट टर्म बटे उसकी पिछली टर्म, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, ये हर स्टेप पे दो दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब जैसे इस सीक्वेंस की अगर मैं पूछूं थर्ड टर्म क्या है, 8 है, ऐसे ये जो ये सीक्वेंस है ये जीपीएस की थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म इसकी 192 है और मुझे इस सीक्वेंस की टेंथ टर्म निकालनी है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन करते हैं। और किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है जनरल टर्म फार्मूला। इसमें जो टर्म निकालनी है उसकी वैल्यू रखो, जैसे टेंथ टर्म निकालनी है इनकी जगह पे 10 रखो, और अगर मुझे ए और आर की वैल्यू गिवन है तो मैं फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे सिक्स टर्म गिवन है तो एन की जगह पे क्या रख देता हूँ मैं, सिक्स, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, ए की जगह पे क्या है, ए ही रहेगा, क्योंकि मुझे इस सिक्वेंस की फर्स्ट टर्म नहीं पता, इस जीपी की फर्स्ट टर्म नहीं पता, ए और आर भी नहीं है मुझे पता, ए आर ए टू पावर एन माइनस वन, इस और सिक्स टर्म मुझे क्या गिवन है, ये 192। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, ए आर ए टू पावर 5 इज इक्वल टू 192 इक्वेशन 1, ठीक है दोस्तों। और मुझे क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है इसकी, थर्ड टर्म सेम ए आर ए टू पावर एन माइनस वन और ये कितनी है 24, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, ये आ जाएगी सेकेंड टर्म, ठीक है दोस्तों। अब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, ए टेन, मैं साइड में लिख देता हूँ, ए टेन ए आर ए टू पावर 10 माइनस वन ए आर ए टू पावर 9, ठीक है दोस्तों, ए आर ए टू पावर 9। यानी कि अगर मुझे टेंथ टर्म निकालनी है तो एक तो मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके बटे में ये कर दो, ए सिक्स बटे में क्या कर दो, ए सिक्स बटे ए थ्री कर दो, ए सिक्स बटे ए थ्री, ठीक है दोस्तों। ए सिक्स क्या है, ए आर ए टू पावर 5 बटे ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 192 बटे में 24, इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, यहाँ क्या गया, आर क्यूब, ठीक है। ये कितने पे गया, 24 8 192, ये गया 8 पे, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2, ठीक है दोस्तों। आर की वैल्यू तो आ गई, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ए की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसमें पुट कर देता हूँ ए, आर क्या है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 24, ठीक है दोस्तों। ए मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 24/4 इज इक्वल टू क्या आ गई, 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6, और आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। ए और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है दोस्तों। आइए पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 6, और आर की वैल्यू क्या आई थी, 2 की पावर 9, ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2। हाँ जी, 6 मल्टीप्लाई 2 का 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है, 6 × 12 1 × 6 = 7 और 6 × 5 = 30, 3 0 7 2 और 3 0 7 2 क्या है, 1, तो 1 आ जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इन ए जी पी किसी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसकी मुझे फिफ्थ टर्म गिवन है, ठीक है दोस्तों, और उसकी सेकंड टर्म गिवन है, मुझे फाइंड आउट क्या करनी है उसकी फर्स्ट टर्म, ए फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ जी, मुझे ए फिफ्थ गिवन है, तो जनरल टर्म फार्मूला मुझे पता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एस टू पार एन माइनस वन, एन की जगह पर यहाँ पे 5 पुट कर दो और वो मेरे पास गिवन है 81, एन की जगह पर 5 पुट करेंगे वहाँ। हाँ जी, ए ए को ए ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है,
और मुझे आर भी नहीं पता, आर को भी आ रहने देते हैं, एन माइनस वन, और ये मेरे पास कितना है 81। तो ए आर ए टू पार फोर इज इक्वल टू 81, इक्वेशन वन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए टू गिवन है मेरे पास, ए टू को क्या, ए आर ए टू पावर, हाँ जी, टू माइनस वन, और ये कितना है मेरे पास 24। ए आर दो में से एक गया है इज इक्वल टू 24, इक्वेशन दो, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू कर दो, ए आर ए टू पावर फोर बटे ए आर इज इक्वल टू 81 बाय 24, ठीक। इससे ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा, साइड में लिख देते हैं पहले, आर क्यूब 81 बाय 24, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैंसिल कर दो, तीन पे गया, तीन आठ चौबीस और सताई थी 81, हाँ जी। तो आर क्यूब इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया, इसको मैं 3/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 थी 27 और 2 थी 8, इसके साथ ये कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3/2, आर की वैल्यू तो 3/2 आ गई, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ए की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 24, ठीक है दोस्तों। ये कट गया 3 8 24, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी कि ये कोई जी पी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी 16, ए की वैल्यू क्या आ गई 16। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इन ए जी पी कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फोर्थ टर्म मुझे गिवन है और उसकी नाइन्थ टर्म गिवन है, मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाएं। मुझे ए फोर गिवन है, ए फोर, हाँ जी, ए फोर को कैसे ओपन करते हैं, ए आर इज टू पावर फोर माइनस वन, ए आर इज टू पावर, चार में से एक या तीन आ जाएगा, और ये क्या मेरे पास 54, इक्वेशन वन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है, ए नाइन को कैसे ओपन करते हैं, ए आर एस टू पार नौ में से एक गया 8, तो ये क्या है मेरे पास 13122, ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन दो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन दो को इक्वेशन एक से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ए नाइन बटे में ए फोर, ठीक है दोस्तों। ए नाइन क्या है, ए आर की पावर 8 बटे में ए आर की पावर क्यूब इज इक्वल टू 13122 बाय में 54। यहाँ से ये कट गया, ए आर की पावर 3 है, ए आर की पावर 8 है, तो क्या बचा, आर की पावर 5, ठीक है दोस्तों। इसको भी काट देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, ये 57 54, हाँ जी, 2 6 12, 1 1 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, ठीक है दोस्तों। ये कितने पे गया, 3 पे गया, 3 में 27, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24 और 3 7 21, ठीक है दोस्तों। ये कितने पे गया, ये आ जाएगा 243, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 243। तो यहाँ से आर की पावर 5 क्या आ गया, 243, आर की पावर 5, 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 3 9 27 81 243। यहाँ से आर की वैल्यू कंपेयर करूँ तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई, ठीक है दोस्तों। आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूँ मैं। आइए पुट करते हैं, ए फोर, ए क्या है, ए की तो वैल्यू मुझे निकालनी है, आर की वैल्यू क्या, 3, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है 54, ए 3 की पावर 3 क्या होती है 27 इज इक्वल टू 54, ये कट गया 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट टर्म क्या है उसकी 2। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा। अगर किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई दो टर्म में गिवन है तो मैं किसी भी टर्म को कैसे फाइंड आउट करता हूँ, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है और आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। थैंक यू वेरी मच।